दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी प्रोटीन्स की, और प्रोटीन्स किस चीज से बनते हैं, क्या उसका मोनोमेरिक यूनिट होता है, अमीनो एसिड्स के बारे में हमने चर्चा करी थी, अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशंस भी पढ़ी थी, ये भी देखा था कौन कौन सी अमीनो एसिड्स असेंशियल होती हैं, कौन सी नॉन असेंशियल होती हैं, और फिर किस प्रकार से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दो अमीनो एसिड्स के बीच में, और एक वाटर रिलीज आउट हो जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं और आज के वीडियो में देखेंगे कि प्रोटीन का हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, और फिर उसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, क्या प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होते हैं, और किस प्रकार से प्रोटीन्स की फोल्डिंग होती है, क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आज के वीडियो में दो चीजों पर चर्चा करेंगे, प्रोटीन क्लासिफिकेशन और प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा, और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि प्रोटीन्स के दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रोटीन के चैप्टर में, एक है प्रोटीन क्लासिफिकेशन कि प्रोटीन को हम किन किन क्लासेस में कैटेगराइज कर सकते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से और उनकी वाटर सोलिबिलिटी के हिसाब से, और दूसरा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रोटीन का, किस चीज से बनता है, प्राइमरी से जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है तो फिर क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर के लिए प्रोटीन का जो स्ट्रैंड्स हैं वो कैसे कॉयल करते हैं आपस में, कहाँ कहाँ पे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक लिंकेजेस बनते हैं, और फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है और उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आज के वीडियो में फटाफट से चर्चा करते हैं इन्हीं दो चीजों के बारे में। तो शुरू करते हैं प्रोटीन क्लासिफिकेशन से। बेस्ड अपॉन द शेप, केमिकल कंपोजिशन एंड सोलिबिलिटी, हाउ द प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोटीन्स को फंडामेंटली हम लोग तीन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली क्लास है सिंपल प्रोटीन, दूसरी क्लास कॉन्जुगेट प्रोटीन और तीसरी क्लास डिराइव्ड प्रोटीन। जो बहुत सारी क्लासिफिकेशन आपको अलग अलग टाइप से मिलेंगी, लेकिन अगर उसका कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन दी है, लेकिन अगर उसका कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो बेसिकली तीन ही क्लासेस निकल के आएंगी, द सिंपल प्रोटीन, द कॉन्जुगेट प्रोटीन्स एंड द डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो सिंपल प्रोटीन्स को फर्दर फिर दो क्लासेस में कैटेगराइज किया जा सकता है, द फाइब्रस प्रोटीन्स एंड द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ द प्रोटीन। तो अगर स्ट्रैंड्स की फॉर्म में फिलामेंटस रॉड शेप स्ट्रक्चर है सो फाइब्रस प्रोटीन्स की कैटेगरी में आता है, और इसमें कोलेजन, इलास्टिन और केरेटिन हमारे एनिमल प्रोटीन है जो बेसिकली मसल्स में और हेयर में और हूफ्स में और हॉर्न्स में होते हैं, तो ये वाले प्रोटीन इस क्लास में आते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स। और इसके अलावा दूसरी क्लास जो है सिंपल प्रोटीन्स की वो है ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में हम लोग जो स्ट्रक्चर्स स्फेरिकल होते हैं या फिर इलिप्टिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो वाले प्रोटीन जिनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ये इस कैटेगरी में आते हैं, और एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, हिस्टोन्स, प्रोलामिन, ग्लूटामिन, प्रोटामिन, ग्लोबिन, ये सारे के सारे इस क्लास में कैटेगराइज होते हैं। तो सिंपल प्रोटीन्स में दो क्लासेस, फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस लॉन्ग फिलामेंटस चेन लाइक स्ट्रक्चर्स, और ग्लोबुलर राउंड और स्फेरिकल और द इलिप्टिकल काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो अगर इस प्रकार का शेप उसका है प्रोटीन का, सो दैट इज बेसिकली द सिंपल प्रोटीन। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी में, द कॉन्जुगेट प्रोटीन। तो भाई सिंपल प्रोटीन्स में तो सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन था और उसके साथ कुछ भी ज्यादा अटैच नहीं था, लेकिन जब कॉन्जुगेट प्रोटीन होता है तो जैसा कि नाम हमको पता लग रहा है तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटीनिशियस पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो प्रोटीन पार्ट होता है वो तो प्रोटीन होता ही होता है, लेकिन जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम लोग प्रोस्टेटिक ग्रुप बोलते हैं। तो अगर फॉस्फो एग्जाम्पल्स हैं फॉस्फो प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन, लिपो प्रोटीन, क्रोमो प्रोटीन, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब में प्रोटीन तो है लेकिन कोई चीज अटैच्ड है। अगर फॉस्फेट अटैच्ड है तो फॉस्फो प्रोटीन, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है तो ग्लाइको प्रोटीन, अगर लिपिड्स अटैच्ड है तो लिपो प्रोटीन, अगर कोई पिगमेंट्स अटैच्ड है तो क्रोमो प्रोटीन, अगर कोई न्यूक्लिक एसिड अटैच्ड है तो न्यूक्लियो प्रोटीन, अगर कोई मेटल अटैच्ड है तो मेटेलो प्रोटीन। इस प्रकार से कॉन्जुगेट प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है। तीसरी कैटेगरी आती है द डिराइव्ड प्रोटीन। तो डिराइव्ड प्रोटीन वो होते हैं जो प्रोटीन्स के हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स बचते हैं या प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स, रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स बच जाते हैं उनको हम लोग डिराइव्ड प्रोटीन बोलते हैं। इनको बेसिकली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, एक वाटर सोलिबिलिटी के हिसाब से, तो वाटर सोलिबिलिटी के हिसाब से जो प्राइमरी प्रोटीन्स होते हैं वो इनसोलुबल टाइप के होते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन जो होते हैं वो वाटर सोलुबल टाइप के होते हैं। तो लार्जली सोलिबिलिटी के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया जाता है। प्राइमरी प्रोटीन्स डिराइव्ड की कैटेगरी में
द कोएगुलेटेड प्रोटीन, द प्रोटियांस, द मेटा प्रोटीन, ये इस कैटेगरी में आते हैं। और सेकेंडरी प्रोटीन में द प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स या फिर अमीनो एसिड्स, ये इसके कैटेगरी में आते हैं। तो डिराइव्ड प्रोटीन्स वो प्रोटीन हुए जो प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस के बाद जो फ्रेगमेंट्स बचेंगे, तो दे आर द डिराइव्ड प्रोटीन्स। सो द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, सो दैट इज द डिराइव्ड प्रोटीन। तो बेसिकली तीन प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेट प्रोटीन एंड द डिराइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स को शेप के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, कॉन्जुगेट प्रोटीन्स को उनके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें अटैच्ड है, और डिराइव्ड प्रोटीन्स को उसके सॉल्युबिलिटी के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। तो आगे देखते हैं इन सारे प्रोटीन्स को और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सिंपल प्रोटीन की अगर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तो सिंपल प्रोटीन्स में बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, द फाइब्रस एंड द ग्लोबुलर। तो फाइब्रस प्रोटीन्स बेसिकली इनको स्क्लेरो प्रोटीन भी कहते हैं, एंड दीज आर द इनसोल्युबल प्रोटीन्स, द चीफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इन द एनिमल्स, एंड वेरी रेजिस्टेंस टू द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एग्जिस्ट एज इलोंगेटेड फिलामेंटस चेन्स। जैसे मैंने कहा स्ट्रेट चेन, इलोंगेटेड फिलामेंटस चेन्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, एंड दे कंटेन द ट्विस्टेड लीनियर पॉलीपेप्टाइड्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स को ट्विस्ट करके फिर भी वो लीनियर फॉर्म में ही रहता है। सो दिस विल कंटेन दोज ट्विस्टेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड कैन बी फॉर्म्ड बाय द लीनियर एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एक्टिन फाइब्रिन की लीनियर एग्रीगेशन के बाद ये हमको मिल सकते हैं, तो लीनियर एग्रीगेशन से फॉर्म होते हैं। कुल मिला के ये है कि दीज आर द लॉन्ग रॉड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स एंड नॉट द स्फेरिकल और द राउंड वन। तीन कैटेगरीज इसमें आती है। द कोलेजन, कोलेजन आपने देखा होगा, द कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। तो एनिमल के जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो उसमें प्रोटीन कोलेजन होता है। सिमिलरली इलास्टिन अगर हम बात करें, तो इलास्टिक टिश्यू जो आर्टरीज में या टेंडन्स में रहता है, सो दोज आर द इलास्टिक टिश्यू, जहाँ पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो वहां पे जो प्रोटीन पाया जाता है उसको इलास्टिन बोलते हैं। और फिर बालों में या नाखून में, नेल, वूल, हूव्स ऑफ द मैमल्स, इन सब चीजों में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं द केराटिन। तो इस प्रकार से जो लॉन्ग फिलामेंटस स्क्लेरो प्रोटीन्स हैं, उनको उनकी तीन कैटेगरीज हैं, द कोलेजन फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिन फाउंड इन द आर्टरीज एंड टेंडन्स, एंड केराटिन फाउंड इन द हेयर, नेल्स, हूव्स, इसमें वूल में ये सारा प्रोटीन पाया जाता है केराटिन। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको एग्जाम्पल्स को याद रखिए, थोड़ा थोड़ा क्लासिफिकेशन को याद रखिए, और किस कैटेगरी में कौन सा एग्जाम्पल होता है उसको डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल प्रोटीन की कैटेगरी में जो दूसरा पार्ट आता है, दैट इज द ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जैसा नाम से पता लग रहा है कि ग्लोबुलर मींस इट विल बी द स्फेरिकल काइंड ऑफ प्रोटीन और इलांगेटेड इलेप्टिकल काइंड ऑफ प्रोटीन। सो इट इंक्लूड्स ऑल द एंजाइम्स, द एंटीजेंस एंड द हार्मोनिक, हार्मोनिक प्रोटीन मीन्स हॉर्मोन्स के जो प्रोटीन है वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ऑल द एंजाइम्स, द एंटीजेंस एंड द हार्मोनिक प्रोटीन, सो दे कम इन दिस कैटेगरी। एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर दोज दैट एग्जिस्ट इन स्फेरिकल और द इलिप्सॉइडल शेप्स। जैसे मैंने कहा स्फेरिकल होगा या जो इलिप्टिकल शेप में होगा, इलिप्सॉइडल शेप में होगा। सो दिस रिजल्ट्स बेसिकली ड्यू टू द पॉलीपेप्टाइड जब फोल्ड होता है, तो अभी हम आगे चल के देखेंगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड कैसे फोल्ड होते हैं स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे। तो पॉलीपेप्टाइड की फोल्डिंग की वजह से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो एल्बुमिन इसका एग्जाम्पल है, ये वाटर सोलबल हीट कोएगुलेबल प्रोटीन है विच अकर्स इन एग। एग एल्बुमिन आपने सुना होगा। इसके अलावा मिल्क में भी पाया जाता है, ब्लड और अलग अलग प्लांट पार्ट्स में भी पाया जाता है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द एल्बुमिन। दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन है द ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन इज इनसोल्युबल और स्पेरिंगली सोल्युबल इन वाटर, ये भी एग में पाया जाता है। और इसके अलावा जो ब्लड में मायोसिन और एक्टिन मीट में, ये मीट फाइबर्स में पाया जाता है। हिस्टोन्स की अगर बात करें, तो ये वो प्रोटीन है जो लो मॉलिकुलर वेट होते हैं, वाटर सोलबल होते हैं, और न्यूक्लियस में, सेल न्यूक्लियस में दीज आर एसोसिएटेड विद द डीएनए, डीएनए के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में दीज आर फाउंड, सो दे आर कॉल्ड एज हिस्टोन। एंड ग्लूटेलिन इज ए प्रोटीन, अगेन ग्लोबुलर प्रोटीन विच इज फाउंड इन व्हीट, व्हीट में ग्लूटेनिन है और राइस में ओराइजिन। तो इसके एग्जाम्पल से कभी आते हैं कि ग्लूटेलिन जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो व्हीट के प्रोटीन को क्या बोलते हैं, तो दिस इज बेसिकली द ग्लूटेनिन, एंड राइस के प्रोटीन को ओराइजिनिन। नाम से भी पता लगता है राइस का ओराइजा सटाइवा नाम होता है, तो इसलिए ओराइजिनिन इसका नाम है। प्रोलेमिन एक पांचवा टाइप का ग्लोबुलर प्रोटीन है, जो कि व्हीट में अगर होगा सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइडिन, एंड कॉर्न में अगर होगा तो दैट इज कॉल्ड एज द जीन। सो जीन इज ए प्रोटीन फाउंड इन कॉर्न, ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, चाहे जेआरएफ का एग्जामिनेशन हो चाहे कोई दूसरा एग्जामिनेशन हो, वहां पे भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में आता है कि भाई कॉर्न में जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हो सकते हैं, ग्लूटेलिन, प्रोलेमिन,
हिस्टोन्स, तो अगर जीन है तो आपको जीन पे टिक करना है, सो दैट इज हाउ इट इज देयर। तो भाई सिंपल प्रोटीन्स को दो क्लासेस थी, द फाइब्रस और द स्क्लेरो प्रोटीन एंड द ग्लोबुलर प्रोटीन, इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको याद रखें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, द कॉन्जुगेट प्रोटीन। तो कॉन्जुगेट प्रोटीन को हम लोग बेसिकली द केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, दो पार्ट होते हैं, एक नॉन प्रोटीन ग्रुप होगा, नॉन प्रोटीन, इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हम लोग बोलते हैं, और दूसरा प्रोटीन पार्ट होगा। तो ये कॉन्जुगेट प्रोटीन तभी है क्योंकि दो अलग अलग पार्ट्स हैं, इनके कंबाइन होने से ही मिलता है हमको, तो दैट इज व्हाई इट इज अ कॉन्जुगेट प्रोटीन। नॉन प्रोटीन पोर्शन जो होता है कॉन्जुगेट प्रोटीन का, उसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसको प्रोटीन बोलते हैं। द टू पार्ट्स कैन बी सेपरेटेड बाई हाइड्रोलिसिस, अगर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन केयरफुल हाइड्रोलिसिस से करना पड़ेगा। एंड द कॉन्जुगेट प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज पर द प्रोस्थेटिक ग्रुप, कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसके हिसाब से उसको क्लासिफाई करते हैं। तो पहली क्लास है द फॉस्फो प्रोटीन, नाम से पता लग रहा है, फॉस्फो यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, द फॉस्फेट। एग्जाम्पल्स आप याद रखिए, केजिन इन केस ऑफ मिल्क एंड फॉस्फोवेटिन इन केस ऑफ एग योक, क्योंकि एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, तो जैसा नाम से पता लग रहा है कि कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा, सो कार्बोहाइड्रेट इज अटैच्ड, एंड म्यूकस सिक्रीशंस में ये पाया जाता है द ग्लाइकोप्रोटीन। देन वी हैव द लिपोप्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन में नाम से पता लग रहा है लिपिड विल बी अटैच्ड एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, इट इज फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, द लेसिथिन, लेसिथिन इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, सोया लेसिथिन के नाम से आता है, देन केफालिन, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। सो द सेल मेम्ब्रेन्स, लेसिथिन एंड केफालिन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लिपोप्रोटीन। सिमिलरली क्रोमोप्रोटीन, तो नाम से पता लग रहा है कि कोई ना कोई पिगमेंट उसमें है, तो कोई कलर पिगमेंट अगर अटैच है, सो दैट इज वेयर द क्रोमोप्रोटीन्स एग्जिस्ट। तो क्लोरोफिल में पिगमेंटेशन होता है, आपको पता ही है, रेड कलर हीमोग्लोबिन में होता है, देन फ्लेवोप्रोटीन्स में होता है, इन सब चीजों में पिगमेंटेशन होता है, सो दैट इज वेयर द क्रोमोप्रोटीन्स विल एग्जिस्ट। न्यूक्लियोप्रोटीन, नाम से पता लग रहा है न्यूक्लिक एसिड, सो दैट इज हाउ इट इज देयर, सो यू रिमेंबर न्यूक्लिक एसिड, और क्रोमोसोम्स और राइबोसोम्स में ये पाए जाते हैं, तो दीज आर द न्यूक्लिक एसिड। एंड देन द लास्ट कैटेगरी विल बी द मेटेलो प्रोटीन्स, मेटेलो मीन्स मेटल, सो इट स्टैंड फॉर मेटल, अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका मेटल है तो दिस इज कॉल्ड एज अ मेटेलो प्रोटीन। दोबारा से अगर हम लोग हेमोग्लोबिन की बात करते हैं, तो आयरन प्रोफाइरिन रिंग होता है, उसके बीच में आयरन रहता है, सो सिमिलरली इन केस ऑफ क्लोरोफिल, तो देर इज ए मैग्नीशियम इन साइड द रिंग स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर्स में हम नहीं जाते हैं, लेकिन इतना ध्यान रख सकते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है, मेटेलो प्रोटीन के एग्जाम्पल्स क्या है, फॉस्फो प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स, ग्लाइको प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स, और सारे के सारे कॉन्जुगेट प्रोटीन के एग्जाम्पल्स। तो मैं समझता हूँ बड़ा सिंपल है, नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप और प्रोटीन पार्ट, और प्रोटीन पार्ट के साथ जो अटैच हो जाता है उसके हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स आप ध्यान में रखें। जो तीसरी कैटेगरी आती है, सो दैट इज द डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो सबसे पहले सिंपल प्रोटीन्स थे जो कि फाइब्रस और ग्लोबुलर थे, उसके बाद कॉन्जुगेट प्रोटीन थे जो केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, प्रोस्थेटिक ग्रुप के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते थे। तो तीसरी क्लास आती है द डिराइव प्रोटीन। डिराइव प्रोटीन्स को बेसिकली हम लोग क्लासीफाई करते हैं बेस्ड अपॉन द सॉलिबिलिटी, अगर ये इनसॉल्युबल है तो इनको हम लोग प्राइमरी प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स बोलते हैं, और अगर सॉल्युबल इन वाटर है तो दे आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स। तो बेसिकली सोलिबिलिटी के हिसाब से इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोटीन्स आर इनसोलबल, सेकेंडरी प्रोटीन्स आर द सोलबल इन वाटर एंड कोएगुलेटेड बाई हीट। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो कोएगुलेटेड प्राइमरी का जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज द कोएगुलेटेड प्रोटीन्स, इसमें एग वाइट को अगर हम लोग हीट करते हैं ना, तो एग वाइट वैसे ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन अगर हीट करते हैं तो इट बिकम्स द कोएगुलेशन हैपन्स एंड इट रियली बिकम्स वाइट, सो इट टर्न्स फ्रॉम क्लियर टू वाइट, सो दैट इज वाई इट इज कोएगुलेटेड प्रोटीन। इसके अलावा डो प्रोटीन्स भी होते हैं, सो डो जब राइज कर जाता है तो एक बेकिंग के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है और वहीं एग्जिस्ट कर जाता है। तो इस प्रकार से दीज आर द कोएगुलेटेड प्रोटीन्स, दे बिकम इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। देन द सेकेंड क्लास इज द प्रोटियांस, दूसरी क्लास प्रोटियांस की है, और प्रोटियांस को अगर हम देखते हैं सो दे हैव द एबिलिटी टू कंटिन्यूअसली चेंज देयर नेचर। अगर प्रोटियन का डिक्शनरी मीनिंग भी देखेंगे तो ये आता है जो कि चेंज करता रहता है, विच इज डायनेमिक, कीप्स ऑन चेंजिंग ऑल द टाइम, सो इट चेंजेस द नेचर शेप एंड बिहेवियर ऑल द टाइम, सो दैट इज वाई दीज आर द प्रोटियान। और तीसरी कैटेगरी है द मेटा प्रोटीन्स, तो मेटा प्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स ऑब्टेंड बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स और एल्कली एंड सोलबल इन वीक एसिड्स एंड एल्कलीज बट इन सोलबल इन द न्यूट्रल सोल्यूशन, सो एल्ब्यूमिनेट, एल्ब्यूमिनेट इसका एक एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से अगर हम इनसोलबल प्रोटीन्स की बात करते हैं जो कि प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स की क्लास में आते हैं, सो दे आर कोएगुलेटेड प्रोटीन्स, द प्रोटियांस एंड द मेटा प्रोटीन्स। अब चलते हैं भाई द सेकेंडरी प्रोटीन। तो जैसा हमने बताया सेकेंडरी प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सो बेसिकली प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स,
प्रोटीओज और पेप्टोन्स इसकी दो क्लासेस हैं। इसके अलावा पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड भी बनते हैं। तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड के बारे में आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि अमीनो एसिड्स तो इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स होती हैं, लेकिन अगर चेन बन जाती है और एक कार्बोक्सिल कार्बन और अमीनो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, तो वो हमको दे देता है पेप्टाइड। पेप्टाइड दो अगर अमीनो एसिड से बना है, डाइपेप्टाइड, अगर 3, 4, 5, 6, 9, 10 तक अमीनो एसिड से बना, ऑलिगोपेप्टाइड, और अगर बहुत ज्यादा अमीनो एसिड से बना है तो पॉलीपेप्टाइड। तो जब प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो हमको पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए डिराइव्ड प्रोटीन की क्लासेस में आते हैं तीनों के तीनों, द पेप्टाइड्स एंड द पॉलीपेप्टाइड एंड द अमीनो एसिड्स। लेकिन इसके अलावा दो और कैटेगरीज हैं जिसको बोलते हैं प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स। तो जब हाइड्रोलिसिस होता है तो जस्ट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के फॉर्मेशन से थोड़ा सा पहले जो प्रोटीन बनता है, यानी कि वो अभी उसमें उसमें लिंकेजेस होंगे, वो लंबी चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द प्रोटियोसिस। और पेप्टोन्स भी हाइड्रोलिसिस से बनते, लेकिन अनलाइक प्रोटियोसिस दे आर नॉट प्रेसिपिटेटेड इन द सॉल्यूशन बाय सेचुरेशन विद अमोनियम सल्फेट। अगर जो प्रोटीन सॉल्यूशन है उसमें हम अमोनियम सल्फेट ऐड करते हैं सैचुरेटेड, तो वो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, तो वो पेप्टोन है। अगर प्रेसिपिटेट कर जाएगा तो वो प्रोटियोसिस है। तो इस प्रकार से इसकी क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सो जो प्रोटियोसिस है दे आर प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन व्हेन वी ऐड द सैचुरेटेड अमोनियम सल्फेट इन टू द प्रोटीन सोल्यूशन, लेकिन पेप्टोन्स हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। दोनों के बीच में यही डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों की दोनों वो डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं जो कि हाइड्रोलिसिस के दौरान अमीनो एसिड फॉर्मेशन से जस्ट पहले बनते हैं। सो दे आर द डिराइव्ड प्रोटीन। सो इस प्रकार से तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हमने, द सिंपल प्रोटीन जिसमें कि फाइबरस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स थे, फिर कॉन्जुगेट प्रोटीन जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ क्लासिफिकेशन थी, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स इसमें डिस्कस हुए, और डिराइव्ड प्रोटीन तीसरी कैटेगरी जो सॉल्युबिलिटी के हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं, द प्राइमरी प्रोटीन एंड द सेकेंडरी प्रोटीन। तो अब चलते हैं जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है द प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो बेसिकली प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो चार क्लासेस में हम लोग उसको देखते हैं, द प्राइमरी स्ट्रक्चर, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज ए पॉलीपेप्टाइड, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से द कार्बोक्सिल कार्बन एंड द अमीनो नाइट्रोजन विल फॉर्म ए पेप्टाइड बॉन्ड। तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है सी एन बॉन्ड, तो ये बेसिकली दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड जो बन रहा है द कार्बोक्सिल कार्बन और अमीनो नाइट्रोजन के बीच में, तो अलग अलग अमीनो एसिड को ज्वाइन करते हैं तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। एक पेप्टाइड बॉन्ड ये है, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड ये है, तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड ये है, और इस प्रकार से बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन सकते हैं। अगर चेन में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है एंड यहाँ पे CH2 है। तो अलग अलग प्रकार की, द ग्लाइसिन, द एलेनिन, द सीरीन, अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स लिंक्ड है, और R4 भी लिखा है। तो दो जो चेन, साइड चेन अगर किसी और ग्रुप से बनी है तो दैट इज R4, दैट इज वाई इट इज मेंशन। कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस इसकी नहीं होती है, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स इस सीक्वेंस के हिसाब से डेफिनेटली चेंज होते हैं। तो अगर प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखें हम लोग, तो पेप्टाइड बॉन्ड से अलग अलग अमीनो एसिड्स जुड़ी हैं। स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं आपकी, एक अमीनो एसिड, 2, 3, 4, 5, और ऐसे सीरीज में बहुत सारी अमीनो एसिड जुड़ी हैं। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एक स्ट्रैंड की फॉर्म में, एक फिलामेंट की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है सारी की सारी अमीनो एसिड्स, एंड सो दे आर कॉल्ड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो अमीनो एसिड सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है पॉलीपेप्टाइड की, एक चेन में कौन कौन सी अमीनो एसिड होंगी, पहली कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, और देन ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। द अमीनो एसिड्स दे आर ज्वाइंड बाय पेप्टाइड लिंकेजेस, ये हमने देखा पेप्टाइड लिंक से ज्वाइन होगा। और अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दें हम उसके स्ट्रक्चर में, या अमीनो एसिड को ऑल्टर करते हैं, तो प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाता है, प्रोटीन के कैरेक्टरिस्टिक सारे बदल जाएंगे, सारी की सारी अमीनो एसिड को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होना पड़ेगा। जो ही सीक्वेंस चेंज हो गई तो प्रोटीन की फंक्शनलिटी खत्म हो जाती है। तो ये प्रोटीन की स्पेसिफिसिटी होती है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं प्रोटीन अपने फंक्शनिंग के हिसाब से। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इफ दे हैव टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। सो वेरी स्मॉल चेंज इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस कैन ऑल्टर द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। ओवरऑल स्ट्रक्चर फंक्शन को ऑल्टर कर सकता है। अब बात करते हैं कि द अमीनो एंड ऑफ द पेप्टाइड्स आर सेट टू बी द नाइट्रोजन एंड। इस एंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंड को, क्योंकि अमीनो एंड है तो इसको हम लोग बोलते हैं साहब नाइट्रोजन एंड। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन एंड। एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड वाले एंड को हम बोलते हैं द कार्बोक्सिल एंड और द सी एंड। सो
एन एंड एंड द सी टर्मिनल, एन टर्मिनल एंड द सी टर्मिनल। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक दो चार अमीनो एसिड जब तक थी तो हम लोग इजीली समझ रहे थे, जब लेकिन जब चेन्स बन जाती हैं और ट्विस्ट करने लग जाती हैं, सो देन वी हैव टू फाइंड आउट एंड वी हैव टू रिमेंबर विच वॉज द अमीनो एंड द एन टर्मिनल एंड विच इज द सी टर्मिनल द कार्बोक्सिलिक एंड, सो दैट इज हाउ इट इज नेम्ड। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना ही है कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस अमीनो एसिड्स की है जो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होगी, सारी के सारी अमीनो एसिड्स, और 20 25 30 40 50 अमीनो एसिड्स और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राइमरी स्ट्रक्चर, दैट इज हाउ इट गोस। तो आगे बढ़ते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखें तो ये देखिए दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। पहली फॉर्म होती है इसकी अल्फा हेलिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, और दूसरी फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम लोग बीटा प्लेटेड शीट्स। तो अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा प्लेटेड शीट्स, तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। तो अगर आप नाम से ही जैसा समझ में आ रहा है, हेलिकल मीन्स द कॉइलिंग ऑफ द प्रोटीन चेन। अब प्रोटीन चेन कॉइल कर गई है, अगर कॉइल की तरह कॉइल फॉर्मेशन हो गया प्रोटीन चेन में, और अगर आप इसमें देखें तो सारी की सारी अमीनो एसिड्स हैं, सो दे आर प्लेस्ड ऑन द कॉइल। यहाँ पे सारी की सारी अमीनो एसिड्स हैं और ये सारे स्ट्रक्चर में दे आर प्लेस्ड ऑन द कॉइल। सो लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो ये अमीनो एसिड्स थी, एक एक अलग अलग सीक्वेंस में थी, और उसके बाद आके आप देख रहे हैं कि ये चेन कॉइल होने लगी, अब कॉइल फॉर्मेशन हो गया, तो दैट इज हाउ इट इज देयर। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द अल्फा हेलिक्स, दिस इज कॉल्ड एज द अल्फा हेलिक्स। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर हम थोड़ा और गौर से देखेंगे तो इसमें लिखा है कि भाई एक टर्न पे, एक टर्न कहां से कहां तक हुआ, यहां से और यहां तक एक टर्न हो, फिर यहां से और यहां तक दूसरा टर्न। एक टर्न में कितनी अमीनो एसिड्स इसमें प्लेस्ड होती हैं एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में, सो 3.6 अमीनो एसिड्स पर टर्न, क्योंकि टर्न ये तो चेन तो कंटिन्यूअस है, तो अगर हम लोग एवरेजिंग करेंगे तो एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगी। तो दैट इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। दूसरा चीज जो ऑब्जर्व करने वाली है कि स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे बनती, कैसे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी की अगर आप देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जो आसपास में पूरे स्ट्रक्चर में, आसपास में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगल बगल में आ जाएंगे, तो दे विल हैव द अट्रैक्शन फॉर इच अदर एंड दे विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी कॉयल में आपको बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे जो एक राउंड से, एक टर्न से दूसरे टर्न में जा रहे होंगे, एंड दे विल बी लिंक्ड लाइक दिस। तो इस प्रकार से बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन टर्न्स जब बन जाते हैं, सो दे दैट दैट गिव्स द स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर इज देयर। अगर हम बीटा प्लेटेड शीट्स को देखते हैं तो आप देखेंगे इसमें बेंडिंग ऑफ द शीट्स इज देयर। तो एक प्लेट, अगर हम सिंपल एक स्ट्रैंड को लेते हैं, दैट स्ट्रैंड बेंड्स, सो वो जिग-जैग तरीके से बेंड करता है, और इस प्रकार के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को हम लोग बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स दे आर प्लेस्ड ऑन द बीटा प्लेट्स ऑल्सो, शीट्स ऑल्सो, एंड दिस इज वेयर वी गेट द, ये आपका एक पेप्टाइड बॉन्ड है, देन सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ये आपका दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड है, फिर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, दिस ये आपका तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड है। इस प्रकार से बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स आपको अलग अलग चेन्स में मिलेंगे। इन चेन्स की एक खासियत होती है कि भाई ये चेन्स पैरेलल भी हो सकते हैं और ये चेन्स पैरेलल नहीं भी हो सकती है, एंटी पैरेलल इसको हम लोग बोलते हैं। तो देखो जब दोनों कार्बन कार्बन एंड एक तरफ है, सी टर्मिनल, ये भी सी टर्मिनल है इधर वाला, और ये भी सी टर्मिनल है, जब दोनों सी टर्मिनल एक साथ हैं और एक साथ ही चेन चल रही है, तो दे आर कॉल्ड एज द पैरेलल स्ट्रैंड्स और द पैरेलल प्लेट्स। लेकिन जब एंटी पैरेलल सिचुएशन होगा तो यहाँ पे सी की बजाय कौन सा टर्मिनल होगा, द एन टर्मिनल विल बी हेयर, एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज द एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स इन द बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। बीटा प्लेट्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, एंड इट गिव्स स्टेबिलिटी। जहां जहां पे कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाएंगे आपस में, सो दे विल हैव एफिनिटी टुवर्ड्स ईच अदर एंड द हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। सो दैट इज हाउ इट गिव्स स्टेबिलिटी टू द जिगजैग स्ट्रक्चर्स ऑफ द बीटा प्लेट आल्सो। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं हम क्या लिखा है कि गिव्स द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन ऑफ ए प्रोटीन। तो बैकबोन जो प्रोटीन की बनती है वो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट की वजह से बनती है, एंड टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर, अल्फा हेलिकल कन्फॉर्मेशन एंड द बीटा कन्फॉर्मेशन और द बीटा प्लेटेड शीट्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल स्टेबलाइज द कन्फॉर्मेशन, हमने देखा कि अलग अलग जगह पे अल्फा हेलिक्स में और बीटा प्लेट्स दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है, एंड इट स्टेबलाइजेज द कन्फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। तो इट स्टेबलाइजेज द
कॉन्फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज सेकेंडरी स्ट्रक्चर और पैरेलल और एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम लोग ध्यान दें तो ऑक्सीटोसिन में 9 अमीनो एसिड होती हैं। ऑक्सीटोसिन एक प्रोटीन है जिसमें कि 9 अमीनो एसिड होंगी पूरे की चेन की फॉर्मेशन में होंगी, और इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें 51 अमीनो एसिड्स रहती हैं जिसमें से दो चेन में होती है 31 एंड 20, एक चेन में 31 अमीनो एसिड्स होती हैं, दूसरी चेन में 20 अमीनो एसिड्स होती है। तो इस प्रकार से हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो एक लीनियर फिलामेंटस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या तो वो हेलिक्स की फॉर्म में वाइंड कर जाएगा या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स की स्ट्रक्चर में वो एग्जिस्ट करेगा। तो आगे चलते हैं और टर्शियरी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो भाई अभी हमने देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर था, फिर बीटा प्लेटेड और जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स बने ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर थे। अब अगर एक पॉलीपेप्टाइड है बहुत बड़ा जिसमें एक थोड़ा सा स्ट्रैंड है जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है, एक अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं स्ट्रेट फिलामेंटस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद एक कॉयल फॉर्मेशन हो जाता है और उसके थोड़ी देर बाद फिर दोबारा बीटा प्लेटेड शीट्स की फॉर्म में आ जाता है, और ये सारा का सारा एक ही जो पॉलीपेप्टाइड है ये आपस में कॉयल कर जाता है। तो इस प्रकार का जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम लोग कहते हैं। एंड दिस इज द थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें कि पॉलीपेप्टाइड चेन एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। सो द सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इज देयर, सो दैट इज वॉट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर। और इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग्स, अलग अलग प्रकार की फोल्डिंग के दौरान बहुत सारे एफिनिटी वाली पोजीशंस आसपास में आ जाती हैं, तो उसमें इजीली बॉन्डिंग हो जाती है और बॉन्डिंग होने के वजह से जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाते हैं। सो द मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स दीज आर द फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अभी हमने पढ़े कि क्लासिफिकेशन में कौन से फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। सो द फाइबर प्रोटीन हैव लार्ज हेलिकल कंटेंट, इसमें हेलिकल कंटेंट ज्यादा होता है और रॉड शेप स्ट्रक्चर रहता है, और ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं उसमें द पॉलीपेप्टाइड चेन तो दैट इज फोल्डेड एट रैंडम एंड कॉयल सेक्शन टू गिव ए स्फेरिकल शेप। तो एक गोल रैंडमली फोल्ड कर लेती है और एक स्फेरिकल शेप मिल जाती है उसको। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। अब जब ग्लोबुलर प्रोटीन बनता है तो अगर वो वाटर सोलबल होगा तो पोलर कंपाउंड जो होंगे वो बाहर की तरफ होंगे उस स्ट्रक्चर में, बाहर बाहर की तरफ, तभी तो वो बाइंड करेगा। पोलर मीन्स विच हैव द हाइड्रोफिलिक लिंकेजेस, उसमें हाइड्रोफिलिक एफिनिटीज होती हैं। और हाइड्रोफोबिक जो एंड्स होंगे, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में तो पोलर एंड नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, तो वो भीतर की तरफ चले जाएंगे। तो जो चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं वो पोलर होते हैं, बाहर की तरफ रहती हैं, प्रोटीन वाटर सोलबल बन जाता है। जो चार्ज जिसमें नेट चार्ज नहीं होता वो अंदर की तरफ चले जाती हैं, दे आर द हाइड्रोफोबिक काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स, सो दे गो टुवर्ड्स द इंटीरियर्स ऑफ द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द टर्शियरी प्रोटीन। सो दैट इज हाउ इट इज देयर, एंड द सच प्रोटीन विल बिकम द सोलबल और इनसोलबल बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोफिलिक लिंकेजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द प्रोटीन ग्लोबुलर। तो भाई टर्शरी स्ट्रक्चर में तो हमने देखा कि भाई एक ही कॉयल थी, एक ही पॉलीपेप्टाइड था और वही कॉयल बना, वही फोल्ड हुआ। लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड होते हैं, सपोज दो तीन चार पॉलीपेप्टाइड एक साथ आ जाते हैं और वो कॉयल करते हैं, वो इंटरमिंगल करते हैं एक दूसरे के बीच में, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने है ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, और किसी ने बहुत सुंदर स्ट्रक्चर्स बनाए हैं तो क्रिएटिव कॉमन्स पे अवेलेबल है, अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट में देखेंगे सो ऑल दी स्ट्रक्चर्स दे आर अवेलेबल क्रिएटिव कॉमन्स। तो उनको धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाए, और हम लोग एजुकेशन पर्पसेस के लिए इसको यूज कर रहे हैं। सो ड्यू रिकॉग्निशन, ड्यू एक्नॉलेजमेंट्स टू द क्रिएटिव कॉमन्स एंड हूसोएवर हैज क्रिएटेड दिस स्ट्रक्चर, सो द कॉन्ट्रीब्यूशन इज ड्यूली एक्नॉलेज्ड। अब आते हैं कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता क्या है। तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जैसे मैंने कहा, और एक से ज्यादा स्ट्रैंड्स इसमें कॉयल कर जाते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक ही कॉयल था, एक ही पॉलीपेप्टाइड था, यहाँ पे एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड होंगे, टू और मोर पॉलीपेप्टाइड। तो क्वार्टरनरी और प्राइमरी, सॉरी द टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस है, टर्शियरी में एक पॉलीपेप्टाइड और क्वार्टरनरी में दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड एक साथ कॉयल करते हैं। तो इंडिविजुअल चेन्स आर कॉल्ड एज द प्रोटोमर्स और द सब यूनिट्स एंड दे मे और मे नॉट बी आइडेंटिकल। तो भले ही एक या एक से ज्यादा चेन्स हैं तो वो एक आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, दो पॉलीपेप्टाइड आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं भी हो सकते हैं तो भी वो आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ही बनेगा दोनों की स्थितियों में, दोनों स्थितियों में। एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जैसे कि बॉन्ड फॉर्मेशन टर्शियरी स्ट्रक्चर में हुआ था तो इसमें भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एंड इफ यू टेक द मायोग्लोबिन इज द एग्जाम्पल, जैसे हीमोग्लोबिन में होता है, सो दिस इज अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन with 8 site segments, so these are there in case of myoglobin, or hemoglobin has 4 subunits
एंड टू आइडेंटिकल अल्फा चेन एंड टू आइडेंटिकल बीटा चेन। तो मैंने जैसे कहा कि आइडेंटिकल भी हो सकती है चेन और अलग अलग भी हो सकती है, तो इसमें दो चेन एक जैसी और बाकी की दो चेन एक जैसी हीमोग्लोबिन का अगर हम सकते थे। तो भाई हमने देखा कि चार प्रकार के स्ट्रक्चर्स इसमें थे, द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। थोड़ा सा अगर हम लोग एक समरी की फॉर्म में देखना चाहें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये सिंगल स्ट्रैंड फिलामेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अलग अलग जो अमीनो एसिड्स हैं सो दे आर बाउंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो प्रकार के हैं, द अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स। अल्फा हेलिक्स में हेलिक्स की तरह जो पॉलीपेप्टाइड है वो कॉइल कर जाता है और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में प्लेट्स की तरह एग्जिस्ट करता है, और इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इनके बीच में अलग अलग यहाँ से यहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ पे अमीनो एसिड्स होंगी एफिनिटी पोजीशन पे होंगी तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर देती है। इनमें भी यहाँ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, तभी ये स्ट्रक्चर स्टेबल रहेंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे या कोई और दूसरे प्रकार के बॉन्ड्स बनेंगे सो देन दीज स्ट्रक्चर्स विल रिमेन सेम, दीज स्ट्रक्चर्स विल बी स्टेबल बट अदरवाइज नहीं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर सेकेंडरी प्रोटीन में स्टेबल रहे। अगर एक पॉलीपेप्टाइड एक्सेसिव कॉइलिंग कर देता है तो एक ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बना देता है और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। सो दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर। व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड्स दे कॉइल, दे इंटरमिंगल विद ईच अदर एंड फॉर्म ए ग्लोबुलर प्रोटीन, सो दिस काइंड ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज क्वार्टरनरी प्रोटीन। तो मैं समझता हूँ कि आपको द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जिसमें कि हमने सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन पढ़े, और द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन जिसमें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट किसी टॉपिक में हम लोग द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे तो वहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, द क्वार्टरनरी और स्ट्रक्चर, टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को समझना, याद रखना, दिमाग में रखना। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उनके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, उसके सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, फंक्शनल ग्रुप्स के हिसाब से, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, और उसके अलावा द प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आगे किसी ना किसी टॉपिक में आपके काम आएंगे और डेफिनेटली वहां पे फिर दोबारा इसका रेफरेंस दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। जितनी मेरी समझ है, जितनी बुद्धि है, उसके हिसाब से डेफिनेटली कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, इसको क्लोज करते हैं और बहुत जल्दी किसी दूसरे टॉपिक के साथ आऊंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।